ऑलमोस्ट देख सकते हो दोस्तों, ये वाटर से फिल हो चुकी है रॉकेट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपटा टीवी। मैं आज आपके लिए लाया हूं एक कमाल धमाल साइंस प्रोजेक्ट। इसका नाम है H2O पंप, लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ वाटर रिसाइकलिंग। तो हम आज सीखने वाले H2O पंप किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं पीछे भी बॉक्स के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो इस तरह के बॉक्स में मिल जाता है हमें ये वाला साइंस प्रोजेक्ट। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इसे कर लेते हैं अनबॉक्स। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसे मैंने परचेस किया था अमेजोन से। यहाँ पे आप इसकी प्राइस भी देख सकते हो, इसका प्राइस है 350 रुपीज। आप अगर इसे बाय करना चाहते हो तो बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे बहुत ही आसान तरीके से बाय भी कर सकते हो। तो चलिए अभी कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग फटाफट। उससे पहले दोस्तों, आपने अभी तक चटपटा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन कर देना दोस्तों, ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं वो वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके दो पार्ट्स में डिवाइड होके आ जाती है इसकी सारी चीजें। तो चलिए फटाफट से सारी चीजें निकाल लेते हैं और हमारा H2O पंप बना लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो इस वीडियो पे जरूर से लाइक कर देना। अगर चाहिए आपको शाउट आउट तो नीचे जरूर से कमेंट भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से सारी चीजें निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का एक ट्रे मिल जाता है हमें, प्लास्टिक वाला, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ट्रे है ये। तो सारी चीजें इसके अंदर मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, ये रहा एक पंप और ये पता नहीं गाइस क्या दिया हुआ है, ये भी एक पंप ही है। ये एक बैटरी होल्डर, बैटरीज लगाने के लिए। एक थर्मोकोल वाला बॉल भी दिया हुआ है, कुछ स्प्रिंग्स दिए हुए हैं वायर्स को कनेक्ट करने के लिए। ये है एक ऑन ऑफ वाला स्विच और ये है इसकी मेन चीज गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे एक मोटर फिट की हुई है। तो यही चीज दोस्तों इस सारे प्रोजेक्ट में मेन है। तो इसे भी रख देते हैं यहाँ पर और इस वाले के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ हमें क्या क्या चीजें मिली है। तो ये रॉकेट को यहाँ पे लगाने के लिए दिया हुआ है। तो ये है गाइस, इसके साथ हमें एक रॉकेट बनाना होगा और इस रॉकेट को यहाँ पर इस तरह से रखना होगा। कुछ पाइप्स मिले हैं हमें, देख सकते हो 3 पाइप्स मिले हैं और ये है रॉकेट के ऊपर का हिस्सा। तो इसे इस तरह से रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी फटाफट से हमारा प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ इसे किस तरह से बनाते हैं और दोस्तों पूरा प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा ये चीज़ किस तरह से काम भी करती है। ये है इसका मेन बेस, सारी चीज़ें इसके ऊपर ही हमें फिट करना होगा यहाँ पर। तो चलिए इसके ऊपर सारी चीज़ें फिट कर लेते हैं फटाफट से। मैं यहाँ पे पहले ले रहा हूँ ये मोटर, इस मोटर को हम यहाँ पे फिट कर देंगे दोस्तों और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह का एक सिरेंज भी दिया हुआ है, सिरेंज टाइप। तो इन दोनों को कनेक्ट करना होगा हमें आपस में। तो इस तरह से इसके अंदर ये चीज डाल देंगे हम, देख सकते हो दोस्तों इस तरह से। तो इस तरह से आगे पीछे मूव होती है तब इसके अंदर से वाटर पंप होना शुरू होता है। तो इसे यहाँ पर लगा देंगे। तो उससे पहले गाइस, ये चीज आपको लगाना होगा यहाँ पर, ये लगा दी मैंने यहाँ पर और ये उसके ऊपर इस तरह से बैठ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी तरीके से बैठ गया है। तो अभी नेक्स्ट हमारा बैटरी होल्डर लगा देते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो बैटरी होल्डर भी बैठ चुका है यहाँ पर। नेक्स्ट गाइस, आप देख सकते हो ये है एक रॉकेट, तो इस रॉकेट को भी लगा लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। इसके साथ हमें एक थर्मोकोल वाली बॉल भी मिल जाती है, इस बॉल को इसके अंदर से इस तरह से डालना होगा और इसे इस तरह से लगा दूंगा मैं।
और इस चीज को यहां पर फिट करना होगा हमें इस तरह से। ये भी फिट हो चुकी है यहां पर, और इन पाइप्स को अभी कनेक्ट करना होगा दोस्तों। पाइप को मैं यहां पर लगा दूंगा इस तरह से, और इसे यहां पर जोड़ दूंगा इस पंप से। और दोस्तों ये रहा लास्ट पाइप, इस पाइप को यहां पर जोड़ना होगा हमें, और इस पाइप को यहां पर इस ट्रे में इस तरह से डाल देना होगा। तो बस यार सिंपल हो चुका है रेडी। और गाइस ये मेन ऑन ऑफ वाला स्विच है इसका, तो इस ऑन ऑफ वाले स्विच को यहां पर लगा देंगे हम इस तरह से। तो अभी इसका कनेक्शन भी दे देते हैं। तो आप देख सकते हो ये दो रेड वायर्स है, एक बैटरी होल्डर से आ रही है, एक ऑन ऑफ वाले स्विच से आ रही है। इन दोनों को इस तरह से जोड़ देना होगा हमें। मोटर से भी एक रेड कलर की वायर निकल रही है यहां पर, तो इसे भी इस ऑन ऑफ वाले स्विच के सेकंड वायर से जोड़ देते हैं। कंप्लीट हो चुका है गाइस हमारा सारा काम, और ये देख सकते हो ये दो ब्लैक वायर्स को भी जोड़ देना होगा इस तरह से। ये जोड़ दिया मैंने। आप चाहे तो गाइस इस स्प्रिंग्स का भी यूज कर सकते हो, इन स्प्रिंग्स को यहां पर लगाकर और इसके अंदर कनेक्शंस दे सकते हो। तो यही आसान तरीका है गाइस। आप देख सकते हो दोनों रेड वायर्स को मैंने जोड़ दिया है, इन दोनों रेड वायर्स को मैंने जोड़ दिया है, और इन दोनों ब्लैक वायर्स को जोड़ दिया है। तो चलिए अभी इसके अंदर बैटरीज इंस्टॉल कर लेते हैं। ये है मेरे पास दो बैटरीज, डबल ए वाली बैटरीज। तो इन बैटरीज को यहां पर लगा देता हूं मैं। तो अभी इसे ऑन करके देख लेते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। वाव दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो इसके अंदर मैं भी आपको वाटर भी डाल के बताऊंगा ये चीज किस तरह से काम करती है। उससे पहले दोस्तों आप सभी को पता ही होगा हमारे चैनल पर जो भी अच्छे कमेंट करते हैं और हमारी वीडियोस पर लाइक करते हैं उन्हें देते हैं हम शाउट आउट। तो पहले दे देंगे शाउट आउट, उसके बाद में ये चीज किस तरह से काम करती है मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल भी करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखते रहना। ये थी दोस्तों हमारी लास्ट वाली वीडियो, हाउ टू मेक ए बबल मेकिंग बॉट। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों जाकर जरूर से देख लेना। इसके अंदर मैंने बबल मेकिंग मशीन किस तरह से बनाते हैं उसका वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे आप लोगों ने किए 2.7K लाइक्स। यार मैं चाहता हूँ यहाँ पर आप जरूर से 5000 लाइक्स तक कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए चटपट टॉय टीवी को। तो आपके कमेंट्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे मिले हैं हमें 836 कमेंट्स। वाओ दोस्तों मजा आ गया, इतने ढेर सारे कमेंट्स आपके देखकर है। देख सकते हो दोस्तों सारे कमेंट्स पर मैंने हार्ट भी दिए हैं और सभी को लाइक भी किया है। तो आपका दिल से थैंक यू दोस्तों इतने ढेर सारे कमेंट्स करने के लिए और इतने ढेर सारे लाइक्स करने के लिए। तो दोस्तों इन सारे कमेंट्स में से मैंने पिक किए हैं 32 लोगों के नाम, तो उनके नाम अभी मैं लेने वाला हूं। तो दोस्तों आपका नाम उसमें नहीं आता है तो यार बिल्कुल भी निराश मत होना, मैं सभी का नाम लेने के लिए जरूर से कोशिश कर रहा हूँ। तो ये रहे वो सारे नाम। पहला नाम आ जाता है चांद अहमद, शिवांग अवस्थी, सिकंदर चिपलूनकर, अभिलाष प्रकाश, प्रिया सोनी, सुशीला रणवीर, बिलावल मुजफ्फर, धनु कुमार, मेहरमान सिंह, गौरी सेनगुप्ता, नंदिनी सिंह, जेके वर्ल्ड, समीरा आम्ब्रे, रश्मि झा, मनोज कुमार, मोहम्मद कमाल जीत, मोनालिसा रॉय, सुजीत उपाध्याय, हलेशी चलवाड़ी, संपिका दास, आर्यन यवलकर, सूरज बिश्त, आयुष पानवार, सीमा किचन, तनु किशोर बैन, मारुफुर रहमान, कौशमी आर्या, शिबू तिवारी, प्रणव मेहता, समृद्ध भट्ट। थैंक यू दोस्तों इतने जबरदस्त कमेंट करने के लिए आप लोगों का। अगर दोस्तों आप भी चाहते हो मैं लूँ आपका नाम नेक्स्ट वाली वीडियो में, तो यार इस वाली वीडियो पर जरूर से लाइक कर देना, नीचे एक अच्छा वाला कमेंट भी कर देना। तो चलिए दोस्तों इस मशीन को ऑन करके देख लेते हैं, और यहाँ पे मैं आपको वाटर भी डाल के बता दूंगा ये मशीन किस तरह से काम करती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा H2O वाटर पंप ऑलरेडी पूरी तरीके से बन चुका है, बस हमें अब इसके अंदर वाटर डालना होगा। तो इस ट्रे के अंदर मैं वाटर फिल कर लेता हूं।
और इस रॉकेट के अंदर भी थोड़ा सा वाटर फिल करना होगा हमें। यहां तक इसे लगा देते हैं और हमारे पंप को चालू कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर वाटर फिल हो रहा है अभी। तो ये वाटर यहाँ तक जाएगा, फिर वापस से रिसाइकल होकर इस टब के अंदर ही वापस आ जाएगा। तो ये है H2O पंप और ये वाटर को रिसाइकल भी करता है दोस्तों। ऑलमोस्ट देख सकते हो दोस्तों, ये वाटर से फिल हो चुकी है रॉकेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये वाटर वापस से इस ट्रे के अंदर ही आ रहा है रिसाइकल होने के लिए। तो ये पंप यहाँ से वाटर को सक कर रहा है और यहाँ से बाहर निकाल रहा है। तो ये है दोस्तों H2O वाटर पंप का वर्किंग मॉडल। आप भी बना सकते हो दोस्तों, बहुत ही आसान चीज है बनाने में ये। तो दोस्तों ये H2O पंप बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा था यार। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये पंप इतनी बढ़िया तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों इसमें एक छोटी सी दिक्कत ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत ज्यादा पानी लीक करने लगा है। तो ये एक छोटी सी दिक्कत लगी गाइस मुझे, बाकी ये पंप तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है यार। आप अगर इसे बाय करना चाहते हो तो बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे बाय भी कर सकते हो। तो दोस्तों आप अगर मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यार इस वीडियो पे जरूर से लाइक कर देना। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में और कुछ धमाकेदार टॉयज के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।